नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी में मौजूद है और लहसुन मंडी में लगातार जो है लहसुन की बम्पर आवक हो रही है। पीछे कई दिनों से दाम भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, जिसके चलते हालात ऐसे हैं कि मंडी अंदर से भी भरे हुई है खचाखच। वहीं दूसरी ओर बात करें तो बाहर भी लंबी लंबी वाहनों की कतारें देखी जा रही है। आज तेरस का पर्व है, जिसके चलते व्यापारी भाई तेरस के रंग में रंगे हुए हैं और किसान भाई भी होली के रंग में रंगे हुए हैं। ऐसे में जो लहसुन के दाम की बात करें तो आज जो ऊटी का भाव है लगभग 30,000 से प्लस जा रहा है। इसी तरह न्यूनतम भी काफ़ी 8 तक आ रहा है। ऐसी तरह जो देसी की बात करें तो देसी लहसुन भी 20,000 के करीब जा रहा है, और मतलब पार जा रहा है। और उसके अलावा तो दूसरा नीचे में भी काफ़ी 7-8 तक जा रहा है। खास बात यह है कि आने वाले जो दिन हैं मंडी में अवकाश वाले दिन रहेंगे, आगे के जो 2 सप्ताह हैं उन 2 सप्ताह में जो छुट्टी रहेगी और जिसके चलते मंडी बंद रहेगी। तो आने वाले 17 तारीख के बीच में सिर्फ 3 दिन, आज के बाद 3 दिन और मंडी खुलेगी। किस दिन खुलेगी वो मैं आपको अपडेट करा देना चाहता हूँ। जो नीमच कृषि उपज मंडी में 8 तारीख को मंडी चालू रहेगी, इसके बाद 12 तारीख को रहेगी और इसके बाद 15 तारीख को मंडी खुलेगी। वहीं 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16 और 17 तारीख के दिन मंडी बंद रहेगी। तो जिस दिन में मंडी बंद रहेगी उस दिनों में किसान भाइयों से निवेदन है कि उस समय अपनी उपज लेकर न आए। हालांकि जो उपज की स्थिति है कि जो मंडी में आवक इसलिए भी ज़्यादा देखी जा रही है क्योंकि आने वाले दिन में जो मंडी बंद अवकाश रहेगा, अवकाश के चलते किसान भाइयों को परेशानी हो सकती है। उनका माल निकालना है, उनको पैसे की आवश्यकता है, इसलिए भी किसान भाई अभी उपज लेकर नीमच मंडी की ओर रुक कर रहे हैं। खास बात यह है कि जो 2 दिन पहले 45,000 का भाव गया था उसके कारण भी दाम अच्छे मिल रहे हैं, तो इसके चलते भी उपज लेके आ रहे हैं। भैया कहाँ से आए हो? नलखेड़ा आगरमालवा। आगरमालवा क्या क्या लेके आए? लहसुन लेके आए। क्या भाव गई? 18,500 बड़ी वाली। बढ़िया वाली गई? मीडियम। कहाँ पर है वो? लास्ट में। लास्ट में? अरे पास होती देख लेते हैं। मैं लास्ट में। आप कहाँ कहाँ से आए? नहीं, नलखेड़ा। वही लहसुन लेके आए? हाँ। आपकी बिक गई? बिक गई। क्या भाव गई? वही 18,900। अच्छा 18,900। मिला के दाम कैसा लगा? दाम बहुत बढ़िया। देसी देसी थी? देसी अमरेठा वाली। देसी? हाँ। तो देसी लहसुन है ये, इनके 18 के मतलब 19 के करीब गई है। तो निश्चित तौर पे जो 20 प्लस का भाव है वो आ ही रहा है। एक चीज़ और बताओ कि अभी आवक भी ज़्यादा हो रही है, दाम भी अच्छा मिल रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आवक अच्छी है, इसके बाद भी भाव अच्छा मिल रहा है किसानों को, किसान खुश है। तो जो कहा जा रहा है कि आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। और भी नसीब मतलब किसानों के नसीब। अभी कितना माल पड़ा आपके घर पे? अभी तो सर मोत्र मुश्किल से नहीं के बारह माल आया, 54 माल भी लाए अभी हम। अच्छा पढ़ाई है, पढ़ाई कर मतलब कुल मिला के आपके लिए अच्छा। कटिंग भी नहीं करवाई अभी। 25% लेके आया। एक चीज़ और है, अभी आने वाले जो दिन है उसमें अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी फिर? हाँ, थोड़ा किसान परेशान होंगे और आने वाले दिन में कुछ चढ़ती उतरती रहती है। हाँ, रहता है। और इस अप्रैल महीने में थोड़ी ज्यादा छुट्टी ज्यादा है, छुट्टी ज्यादा है, इससे परेशानी तो है। क्या लग रहा है, आप भी लहसुन लेके आए कहाँ पर? अच्छा ड्राइवर है, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के जो आने वाला समय है लहसुन के किसानों के लिए भी अच्छा साबित हो रहा है और व्यापारियों के लिए भी। तो आने वाला समय और हो सकता है कि तेज़ी भरा हो। और आज रंग तेरस का पर्व है, हालांकि कल छुट्टी रही थी, जुम्मे की रमज़ान महीना चल रहा है, पाक महीना, तो उसमें हमाल लोग और जो भी लोग, इस वजह से प्रशासनिक छुट्टी थी मतलब यहां पर मंडी प्रशासन के द्वारा। अब उस छुट्टी के बाद आज मंडी खुली है, आज भी कमोबेश वाहनों की लंबी लंबी कतारें मंडी गेट के बाहर देखी जा रही है। आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये शोर शराबा सुनाई देगा आपको उधर। ये है होली का त्यौहार जो चलता है होली से और अब तक चलता आ रहा है। रंग तेरस खास तौर से नीमच मंदसौर क्षेत्र में खेली जाती है और व्यापारी लोग, किसान भाई भी यहाँ ये रंगों के इस त्यौहार में सराबोर हैं, नज़र आ रहे हैं उत्साह के साथ। एक तरफ नीलामी भी चल रही है, दूसरी तरफ होली के उमंगों में ये देख आप देख सकते हो कि लोग पूरे रंगों में रंगे हुए हैं और काफ़ी उत्साह लोगों को
इस त्यौहार को मनाने में दिख रहा है। और जिस तरह से लहसुन के दाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद स्थिति ऐसी बन रही है कि लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि गत जो दो दिन पहले जब मंडी खुली थी तब जो भाव गया था, अब तक के सीज़न का सबसे ज़्यादा भाव 45,000 गया था। उसके बाद किसान भी उत्साहित थे, इसके चलते आवक भी देखी जा रही है। जो कुछ माल था परसों के दिन आया था वो रह गया था, तो नीमच एक ऐसी मंडी है जहाँ पर किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं जाता है। ऐसे में जो मंडी के भाव कमोबेश अभी वही है, और ऐसे में जब जो माल बच गया था तो वो दूसरे दिन व्यापारी भाइयों ने नीलाम किया और किसान लोग अपना माल बेच कर गए हैं। आज फिर अवकाश का दिन है, उसके बाद मंडी खुली है। कुछ लोग हैं जिनसे जाने, कहाँ से आए भैया? जीतापुरा। क्या हुआ, क्या लेके आए? लहसुन ले गए थे। कितनी लहसुन लेके आए? 15 कट्टी। हो गई नीलाम? नहीं, कल क्यों, 5 दिनों की। आज 5 दिनों का नंबर क्यों नहीं आया फिर? और ज्यादा है जो बंद हो गई थी ऐसे ये इधर से। अच्छा, तो आज नंबी नंबर आया कि नहीं आया? आ, बार भी नहीं आया। आ जाएगा। हम पिपलिया राव जी मनासा। कब आए थे ये? आज ही आए हम तो। आज ही आए थे अपन जीतापुरा, असनावर के पास, असनावर जिला झालावाड़। झालावाड़ जिले से? तो कब आए थे आप? बुधवार के दिन से आया था। बुधवार को अभी तक नंबर नहीं आया है? नंबर नहीं आया, अभी आएगा, पर बहुत टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है? आवक ज्यादा है। रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? भाव तो ठीक ठाक है, बाकी आवक ज्यादा है। हाँ, कल परसों के दिन भाव गया था 45,000 एक कूटी लहसुन। हाँ, सुना तो होगा। सुना है, देखा भी है। तो कैसा लगा वो? अच्छा लगा, वो लहसुनिया लगता, मतलब अलग था। तो मतलब सभी भाव जो औसत लगभग अच्छे जा रहे हैं ना? हाँ, औसत भाव वैसे देसी के भी अच्छे भाव है। देसी का भी अच्छा भाव, देसी भी 18-20 तक जा रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 18-20 है। अपन क्या लेके आया दादा? लहसुन। कितनी? 10 कट्टी। कौन से? नहीं, कौन सी लाया वैरायटी? झालावाड़ जिला से। देसी लाया? कैसे लाया? देसी देसी देसी। बढ़िया है कि मीडियम? मीडियम मीडियम है। क्या उम्मीद लग रही है, क्या भाव जाएगा अभी जिस तरह के भाव चल रहे हैं उसको देख के? 12-13 चला जाएगा। हाँ। जिस तरह की ये रंग तेरस के साथ साथ किसानों की खुशी इसलिए भी दुगनी हो रही है कि जिस तरह से जो दाम मिल रहे हैं लहसुन के, वो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। जिसके चलते विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।